प्यारे बच्चों, आप लोगों को यह वीडियो, आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत खास है और आप इसका इंतजार भी कर रहे थे। जब इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे, ये जानकारी के लिए ये वीडियो मेरे पास आया है। यस बच्चों, पिछले दिन शिक्षा कुंज जो हम लोग हर वर्ष एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं अपने समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास के लिए, स्टेट शिक्षा कुंज टैलेंट इनकरेजमेंट प्रोग्राम, जिसका ये छठा एडिशन, सिक्स्थ एडिशन होने वाला है 2022 में, मंथ ऑफ दिसंबर में। स्टेट का आपने कहीं ना कहीं पोस्टर और इसका इंफॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं से मिला होगा। आप बहुत सारे आपके सीनियर्स लोग एग्जाम भी दिए होंगे और बहुत सारे लोग इसके बारे में आसपास में बात भी कर रहे होंगे, लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि मैं स्टेप क्यों दूं। कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं ना कि मैं ये काम क्यों करूं, और हमेशा ये बात आपके पास जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना जानकारी का अगर हम कोई काम करते हैं तो फिर उसका परिणाम क्या होगा वो पहले से पता नहीं होता है। तो स्टेप क्या है? स्टेप एक ऐसा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लिए है जिसमें आप अपने मेधा को, जिसमें आप अपने एक्सलेंस को प्रूफ करके उसको आप डिस्ट्रिक्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में सारे बच्चों में आप अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। हर साल ये एग्जाम कंडक्ट होती है और ये एग्जाम नॉर्थ बिहार और कुछ और नॉर्थ बिहार के अलावे जो जिले हैं उन सारे बच्चों के लिए एग्जाम एक चहेता एग्जाम बनते जा रहा है। पिछले वर्ष 2021 में जब हम लोग इसका कंडक्ट किए थे तो इसमें 7 जिले के बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, जिन जिलों में समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, दरभंगा, वैशाली, मधुबनी और सीतामढ़ी के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और बच्चों ने खूब मेहनत करके इसमें एग्जाम में पार्टिसिपेट किया और अपने एक्सलेंस को प्रूफ करके जिनका जो रिवार्ड, जो सर्टिफिकेट, जो मेडल के हकदार थे उन्होंने लिया। बच्चों, मैं आज आपको इस स्टेप का क्यों जरूरी है ये मैं बताना चाहता हूँ। अक्सर क्लास 6 से 10 में जो बच्चे पढ़ते हैं वो किसी न किसी नेशनल या इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट जरूर करते हैं। एग्जाम्पल, ओलंपियाड का एग्जाम अभी आपका, देखिए क्लास 6, 7, 8 के लिए SOF चल रहा है, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का एग्जाम चल रहा है, उसका डेट भी आ गया है। बहुत सारे बच्चे आप लोग फॉर्म भी भरे होंगे। JSO का एग्जाम, IJSO का एग्जाम, NTSC का एग्जाम और भी बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम, मैथ्स ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, इस टाइप के आप एग्जाम देते रहे होंगे, दिए होंगे या देने वाले होंगे। बच्चों, एक कहा जाता है कि युद्ध में जाकर अपने तलवार को धार नहीं दी जाती है, युद्ध से पहले आपको अपने तलवार में धार देना होगा, तब आप एक अच्छे युद्ध के विजेता होंगे। नहीं, अगर आप युद्ध में जाकर अगर तलवार में धार देंगे तो फिर परिणाम क्या होगा वो आपके पास है आंसर इसका। तो जब भी हम नेशनल या इंटरनेशनल हम एग्जाम देते हैं तो बहुत ज्यादा या बहुत थोड़ी बहुत जानकारी हमें कहीं ना कहीं से उस एग्जाम के बारे में मिलता है, सिलेबस के बारे में जानकारी रहती है, हम भिड़ जाते हैं उसके प्रैक्टिस में, हम फॉर्म भरते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद रिजल्ट आते हैं, फिर हम लोग अपने रिजल्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अरे मैं तो ये नहीं पढ़ा था, मैं तो इस टाइप का कभी एग्जाम ही नहीं दिया था, ये मेरे लाइफ का पहला इस स्टैंडर्ड का एग्जाम था, इतने सारे बच्चों के बीच में मैंने पहले बार एग्जाम दिया, बहुत सारे सो मेनी जो बहाने हैं वो आने लगते हैं। नहीं बच्चों, ये नहीं करना है। जीवन में जब भी हम कोई काम करें तो सुनिश्चित और एक अच्छी प्लान के साथ करें ताकि हम उसमें अपने आप को सफल करें। तो उसी नेशनल और इंटरनेशनल एग्जाम के पैटर्न पे शिक्षा कुंज हर साल स्टेप ऑर्गेनाइज करती है, शिक्षा कुंज टैलेंट इनकरेजमेंट प्रोग्राम, जिसमें बच्चों आप इसमें पार्टिसिपेट करके आप अपने एक्सलेंस को
डिस्ट्रिक्ट लेवल और अन्य जो आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं उनके बीच में आपका पोजीशन क्या है, आपके अंदर में क्या एक्सेलेंस है, उसको आप प्रूफ कर सकते हो। बोले तो एक बड़े एग्जाम की एक पहली तैयारी, इस एग्जाम में जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो किस लेवल का क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन के किस टाइप के वैरायटीज होते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न क्या है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जो बच्चे इस एग्जाम में बेस्ट करेंगे उनके लिए कैश रिवार्ड टोटल इस साल का 2.5 लाख रखा गया है, टोटल स्कॉलरशिप 1.5 करोड़ का है, और भी बहुत सारे मेडल, गिफ्ट, प्राइज, सर्टिफिकेट, वैरायटीज प्राइजेस रखे गए हैं, जिसके बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन आपके बीच में देता रहूंगा। बच्चों, जीवन में हम लोग पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन एक वो पढ़ाई होती है कि हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से पढ़ के घर पे आए, फिर घर पे थोड़ा बहुत पढ़ाई किए, होमवर्क जो है उसको बनाए, फिर फिनिश किए, फिर कल स्कूल गए। ये हमारा रोजमर्रा का आना जाना हो जाता है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं दिखता है कि कुछ मैं अलग से मेहनत करूं, मैं अपने अंदर में कुछ अलग काबिलियत लाऊं, वो थोड़ा सा बच्चों में मैं देख रहा हूं कि कमी होते जा रही है। यही तो जरूरी है, एक ऐसा कंपिटिटिव इन्वायरमेंट आपको अपने अंदर में अभी से जगाना है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हो उस डिस्ट्रिक्ट में आपका पोजीशन क्या है, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो स्कूल का पोजीशन तो आपको पता चलता है, लेकिन आप ही के शहर में 50 70 80 स्कूल चल रहे होते हैं, उन सारे स्कूलों के बच्चों में आपकी क्या स्थिति है, आप अपने आप को कहां पे खड़ा पकड़ पाते हो, ये आपको जानने की बहुत जरूरी है। और ये जिस दिन आपको जानकारी मिल जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं कुछ दिन से आप जद्दोजहद डबल मेहनत करके अपने पोजीशन को और बेहतर करेंगे। बस इसी के लिए हमने स्टेप, इसी के लिए शिक्षा कुंज हर साल स्टेप ऑर्गेनाइज करती है कि हमारे आसपास और हमारे अपने समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट और जो अन्य नॉर्थ बिहार और बाकी जो अन्य जो जिले इसके आसपास के हैं उनके बच्चों में, उन वहाँ के जो अध्ययनरत बच्चे हैं, वहाँ जो स्टडी कर रहे बच्चे हैं, उनके बीच में कॉम्पिटिटिव थॉट डेवलप हो, उनके अंदर में जज्बा पैदा हो कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम में मैं अपने आप को प्रूफ करके रहूँगा, और उसी लेवल की प्रिपरेशन की तैयारी, उसी एग्जाम की प्रिपरेशन की तैयारी का पहला स्टेप आपका स्टेप होगा, शिक्षा कुंज टैलेंट इनकरेजमेंट प्रोग्राम होगा, जिसके तहत आप एग्जाम देके आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने आप को चैंपियन प्रूफ कर सकते हैं, आप अपने आप को पा सकते हैं कि आपकी तैयारी में क्या मजबूती है, क्या कमी रह गई, जो कमी रह गई उसको कैसे पूरा करें, हर चीज का आपको इस एग्जाम देने से जवाब मिलेगा। इस एग्जाम में बच्चों बहुत सारे आप लोगों के लिए रिवार्ड के बारे में तो मैंने बताया ही था, मैं बता दूं कि इस एग्जाम में क्लास 6 से क्लास 10 के बच्चे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एग्जाम 4 दिसंबर, 11 दिसंबर और 18 दिसंबर 2022 में ऑर्गेनाइज आयोजित हो रही है। 4 दिसंबर को क्लास 10th वाले बच्चे एग्जाम देंगे, 11 दिसंबर को क्लास 9 और 8 वाले बच्चे एग्जाम देंगे, और 18 दिसंबर को क्लास 7 और 6 वाले बच्चे एग्जाम देंगे। फॉर्म आप इंस्टीट्यूट शिक्षा कुंज, अगर आप समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, सेंटर के अगर आसपास में हैं, तो आप हमारे यहाँ के ऑफिस में भी आके फॉर्म ले सकते हैं। अगर आप सेंटर से थोड़ा सा दूर हैं, एक दिन में आना जाना अगर आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, आप शिक्षा कुंज की वेबसाइट पर भी जाके इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके आपको सेम टाइम में वहाँ पर एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, जो पोर्शन है, वो सारा आपको सेम टाइम मिल जाएगा। इस एग्ज़ाम में आपको हम पूछेंगे मैथ से, साइंस से, SST से क्वेश्चन, और रीजनिंग से क्वेश्चन होगा। मैथ्स के टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, साइंस के टोटल भी 30 क्वेश्चन होंगे, SST के भी 30 क्वेश्चन होंगे, और मेंटल एबिलिटी बोले तो रीजनिंग का 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, और इसके सिलेबस भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं चाहूँगा कि इसको ऐड करवा दूँ मैं अपने टेक्निकल टीम से कह के, और आपको जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको सेम टाइम में वो मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चों अब आप हो जाइए रेडी, अभी से भिड़ जाइए और अपने जीवन के पहले स्टेप में
अपने आप को चैंपियन साबित कीजिए, अपने आप को चैंपियन प्रूफ कीजिए, मैं आपको इस चैंपियन का सर्टिफिकेट, मेडल, प्राइज और कैश रिवार्ड देके आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का चैंपियन बनाऊंगा। तो बच्चों ऑल द बेस्ट, फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेप के लेके, बहुत सारी जानकारियों को लेके। धन्यवाद।